जय हिंद दोस्तों, और मेरे लफ्ते जिगर साथियों और हमारे चाहने वाले जितने भी साथी हैं दोस्त हैं, आप सभी को मेरे तरफ से एक बड़ा सा सैल्यूट। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कई दिन से एक वीडियो ट्रेंडिंग पेज पर चल रहा है, सारा खान और राखी सावंत का। हालांकि इसे सैकड़ों लोगों ने रिप्लाई दिया है, पर मेरा रिप्लाई देने का तरीका कुछ अलग होगा और लोगों से हटके होगा। तो सबसे पहले आप इन दोनों का वीडियो देख लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे चर्चा करते हैं, आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले आप इसका वीडियो देखिए। मुसलमान कम्युनिटी में ये कहा जाता है कि लड़कियों को पर्दा करना चाहिए, तो मुसलमान कम्युनिटी में ये क्यों नहीं कहा जाता कि लड़कों को आंखों में पर्दा कर देना चाहिए और लड़कियों को खुला में घूमना चाहिए? व्हाई नॉट? सो आई एम सो सॉरी टू से, पर आपने पर्दा किया है कॉटन से? आई एम कॉटन से पर्दा किया, आई एम मुस्लिम माई सेल्फ। एंड मेरी सिर्फ एक ही कंप्लेन है टूवर्ड्स दोस पीपल जो खड़े हो जाते हैं बुरखा बुरखा बुरखा। अरे शर्म करो तुम लोग पहले अपनी आंखों पे कि तुम वो चीज क्यों देख रहे हो। तुम्हें पर्दा करना चाहिए, हम क्यों पर्दा करें? वुमेन, हम लोगों की इज्जत सबसे ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि हमने ही तुम्हें पैदा किया, वरना तुम आते कहाँ से साले? तो देख लिया दोस्तों, ये फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाली सारा खान और राखी सावंत, इन दोनों का कहना है कि मर्दों को पर्दा करना चाहिए, अपने नजरों का पर्दा करना चाहिए। तो दोस्तों अगर ये दोनों जिंदगी में एक बार भी कुरान या गीता को खोलकर पढ़ा होता तो उसको मालूम होता कि उस अल्लाह या उस भगवान ने पर्दों का क्या पैगाम भेजा हम सब पर। दोस्तों औरतों से पहले मर्दों को पैगाम भेजा है कि जब भी उसकी नज़र किसी दूसरे औरत पर पड़े तो वो अपनी नज़रों को नीचे कर ले। उसके बाद अल्लाह या भगवान औरतों को हुक्म करता है अगर उसकी भी नज़र किसी गैर मर्द पर पड़े तो वो भी अपनी नज़र नीचे कर ले। तो इन दोनों को मालूम होना चाहिए कि वो मर्द के कहने पर पर्दा नहीं करती है, बल्कि भगवान का हुक्म है इसीलिए वो पर्दा करती है, चाहे किसी भी धर्म का हो। दोस्तों पहले तो आप इन दोनों का ड्रेस पहनने का तरीका देखिए, इस ड्रेस में इन दोनों का आधा दिखाई दे रहा है, बायोलॉजिकल शब्द में बोले तो मेमोरी ग्लैंड। दोस्तों इन दोनों को जरा ध्यान से देखिए, ये दोनों इस ड्रेस में एकदम कोठे वाली लग रही है। दोस्तों अगर ये दोनों पब्लिक के सामने इस तरह से रह सकती है तो पता नहीं घर के अंदर शायद कोठे में काम करने वाली काम करे। अगर आपको पर्दे से इतनी ही नफरत है तो पूरा खोल के आ जाती और बात करते हो पर्दे की। एक बात याद रखना मैडम, जो पर्दे में रहता है उसी का ही इज्जत होता है, ना कि तुम जैसे कोठे पर बैठने वालों की जो थोड़ी सी पब्लिसिटी के लिए अपने इज्जत की कपड़े। और आपने क्या कहा था मैडम कि हम लोगों ने तुम लोगों को पैदा किया, वरना तुम लोग आते कहाँ से साले? तो एक बात हमेशा याद रखना मैडम, एक हाथ से रोटियां नहीं बनाई जा सकती है। मेरा कहने का मतलब है कि इस दुनिया में भगवान ने दो कैटेगरीज के इंसान हो, जानवर हो, पक्षी हो वगैरह वगैरह बना के भेजा है, एक मेल और दूसरा फीमेल। और जब तक दोनों का आपस में मिलन नहीं होगा, वेजिनल ट्रीटमेंट नहीं होगा, स्पर्म जब तक उभम के पास नहीं पहुंचेगा, दोनों आपस में फ्यूज नहीं करेगा, जब तक जागोट या एम्ब्रायो नहीं बनेगा, तब तक दुनिया में किसी भी फीमेल बच्चा पैदा नहीं कर सकता है। मेरा कहने का मतलब है जब तक मेल और फीमेल आपसी संबंध ना हो बच्चा पैदा नहीं हो सकता है, इस बात को याद रखना हमेशा मैडम। और आपने क्या कहा, हम लोग नहीं होते तो तुम लोग आते कहाँ से साले? माइंड योर लैंग्वेज, संभाल के बात कीजिएगा, ठीक है? हालांकि दोस्तों सारा खान ने बाद में माफ़ी मांगी थी और अपने गलती का इजहार किया था, पर इसे कोई माफ़ नहीं किया। तो मैं आप लोग को पूछना चाहता हूँ, इन्होंने तो माफ़ी मांगी है तो क्या इसको माफ़ कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मेरे तरफ से तो ना है, क्योंकि इन्होंने बात ही कुछ ऐसी कर दी, इन्होंने हमारे महिलाओं को बदनाम किया, हमारे मर्दों को बदनाम किया। इसकी हरकत इतनी गंदी थी और माफ़ी जब मांग रही थी तो इतना एटीट्यूड के साथ कि मत पूछिए। तो दोस्तों मेरे तरफ से तो ना है, अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ क्या इसको माफ़ी देना चाहिए या नहीं, मैं आपका आंसर का इंतज़ार करूँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, लेकिन दोस्तों अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जाके फॉलो कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत एंड बाय बाय, टेक केयर।